नमस्ते इंडिया, मैं हूँ सोमेश माथुर। होममेड में आप सभी का स्वागत है। आज की जो रेसिपी है वो है देसी चाइनीज, सभी की फेवरेट, जिसका नाम है वेज मंचूरियन। घर पर इजीली बना सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप सभी के लिए एक रेसिपी होममेड की तरफ से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे सेट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मंचूरियन बॉल्स। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर 2 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और 1 बारीक कटाई हुई गाजर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़े से स्प्रिंग अनियन, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। अब इनको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे जब मिलाएंगे तो हमारी सब्जियां जो है वो छोड़ेगी पानी, तो उसी पानी से हम इसका एक डो लगाएंगे। इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 बड़ा चम्मच मैदा हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और अब हम इसका एक डो लगाएंगे। देखिए, कॉर्नफ्लावर और मैदा हमेशा हिसाब से ही डालना होता है, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो कभी कभी ज़्यादा पानी छोड़ती हैं, कभी कभी बहुत कम पानी छोड़ती हैं, तो ये हमें देखते हुए इसके अंदर डालना होगा। जैसे हमारे इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैदा और ऐड कर रहा हूँ। तो बस अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक जस्ट सॉफ्ट डो बनाना है, ताकि जो हमारी बॉल्स हैं वो ईजीली बन जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो ये फैले ना। तो हमें बस एक थोड़ी सी बाइंडिंग करनी है। जैसे अब आप देख सकते हैं जो कंसिस्टेंसी है, बस इतना ही करना है, क्योंकि आप ज़्यादा अगर इसमें मैदा मिलाएंगे तो आपको मैदा और कॉर्नफ्लावर का ही इसमें टेस्ट आएगा। तो अब इस तरह से हमें सारी जो हमारी मंचूरियन बॉल्स है उसको रेडी कर लेना है। एकदम परफेक्ट गोल हो ये ज़रूरी नहीं है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन देके सारी बॉल्स को तैयार कर लीजिए। तो अब हम लेंगे एक पैन, पैन के अंदर हम तेल चढ़ा देते हैं, इसके अंदर हम फ्राई करेंगे हमारी मंचूरियन बॉल्स। और अब यहाँ पर जो मेरा तेल है वो हो चुका है गरम, तो अब मैं इसके अंदर हमारी जो मंचूरियन बॉल्स है उनको एक एक करके मैं इसके अंदर डाल दूँगा। ये तेल कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो आपका ऑयल है वो एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ कुक करेंगे तो होगा क्या, जो आपकी बॉल्स हैं वो ऊपर ऊपर से कुक हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और अगर आप इसे धीरे कर देंगे तो ये क्या होगा, जो तेल है वो सोख लेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारी मंचूरियन बॉल्स हो ख़राब, तो इसके लिए हम इसे धीरे 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 मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाएंगे धीरे धीरे। अब ये देखिए हल्का इसके अंदर गोल्डन कलर आने लगा है, तो इसको बस धीरे धीरे पकाते जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मंचूरियन की बॉल्स आपकी ख़राब हो गई तो आपका मंचूरियन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मीडियम फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं मेरी जो मंचूरियन बॉल्स है वो गोल्डन कलर इसका आ चुका है। तो बस इस स्टेज तक आपको जो आपकी मंचूरियन बॉल्स है उन्हें कुक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बॉल्स हैं वो हो चुके अच्छे से कुक, तो अब हम इन्हें निकाल देंगे। आपको इसी तरह से धीरे धीरे सभी जो मंचूरियन बॉल्स हैं उन्हें रेडी कर लेना है। तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, तो अब मैं इन सभी को निकाल देता हूँ। तो अब हम बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए हमें चाहिए इस तरह की एक बड़ी कढ़ाई, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल और इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप फाइनली चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो हमारी ग्रेवी में जो है ना मज़ा नहीं आएगा, तो गार्लिक हमेशा ज़्यादा यूज़ करें। इसके बाद इसको हम हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी हल्का सा भून लेंगे, एकदम सब्जी की तरह जैसे ब्राउन करते हैं वैसा नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा इसको हम
भून लेंगे। कच्चे लहसुन की जो स्मेल है वो निकल जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और शिमला मिर्च इस तरह से लंबे कटे हुए। हल्का सा इसको अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट स्वाद अनुसार। सॉल्ट का ध्यान रखना है क्योंकि सॉल्ट हमारे पकौड़े में भी है और सॉल्ट जो हमारा सोया सॉस होगा उसमें भी है, तो इसलिए सॉल्ट का थोड़ा आराम से यूज़ करें। और ये अभी मैं थोड़ा सा इसको मैं भून लेता हूँ। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप और हल्का सा इसको भी पका लेंगे। थोड़ा सा इसको मिला के पका लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और इसको भी थोड़ा सा हम पका लेते हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच और इसको भी हम अच्छी तरह से मिला के पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो हमारी जो सॉसेजेस हैं वो जल जाएंगी। तो बस इसको हल्का सा कुक करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। मैंने थोड़ा सा ही डाला है, अभी मैं इसके अंदर पानी और डालूँगा, तो 1 कप अराउंड इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है। तो ये लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देता हूँ। 1 कप पानी हो गया और इसको थोड़ा सा हम बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा जो हमारी सॉसेजेस हैं, जो सब्जियां हैं, वो पानी के अंदर थोड़ा सा एक वो कुक हो जाएं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए थोड़ी सी ये कुक हो गई। अब हम क्या करेंगे, बाउल के अंदर हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी और इसको एक घोल बना लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे, ये क्या एक्चुअली थिकनिंग के लिए होता है, जो आपका ग्रेवी है उसको थिक करेगा। तो इसको अब हम ग्रेवी में डाल देते हैं। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये पहले थोड़ा सा मैंने इसमें डाला और अब मैंने इसको मिक्स किया और ये थोड़ा और ये अच्छे से मैंने मिला दिया। अब आप देखिए जो आपकी ग्रेवी है वो एकदम से कैसे थिक हो चुकी है। तो इस तरह से हमें इसको थिक कर लेना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के बिना वेज मंचूरियन का मज़ा ही नहीं है कुछ। तो ये हो गया, अब जाएंगे हमारे मंचूरियन बॉल्स और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो हमारी बॉल्स है उनको अच्छी तरह से कोट कर देंगे ग्रेवी से। तो अब हमारा मंचूरियन है रेडी, तो अब हम इसे करेंगे सर्व। अब हमारा वेज मंचूरियन रेडी। थैंक यू इंडिया टू वॉच माय वीडियो। अब हमारे वेज मंचूरियन है रेडी, जल्दी से जाओ और ट्राई करो रेसिपी। कमेंट्स में बताओ कैसी लगी रेसिपी। वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी होममेड की तरफ से कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको अपडेट मिले। फॉर मोर अमेजिंग रेसिपीज स्टे ट्यून्ड विथ होममेड।